गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो लेक्चर डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर का 13th और लास्ट वीडियो लेक्चर है। इसके बाद डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर का ये टॉपिक हमारा यहीं पे फिनिश हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक को शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल बेस्ड डेटा मॉडल के बारे में। तो डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर के वीडियो लेक्चर 3 में मैंने बताया था डेटा मॉडल के बारे में कि डेटा मॉडल 3 टाइप्स के होते हैं, रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल, ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल और फिजिकल बेस्ड डेटा मॉडल। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं उसी फिजिकल बेस्ड डेटा मॉडल के बारे में बताऊंगा। तो मैं अनिल के शर्मा आप लोगों का इस चैनल पे स्वागत करता हूं, और जिन लोगों ने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर प्रेस कर ले। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फिजिकल बेस्ड डेटा मॉडल, तो द फिजिकल डेटा डिजाइन मॉडल इन्वॉल्व्स ट्रांसलेटिंग द लॉजिकल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस ऑनटू फिजिकल मीडिया यूजिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम्स सच एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो फिजिकल डेटा डिजाइन मॉडल जब हम तैयार करते हैं तो इसमें क्या होता है कि डेटाबेस की जो हमने लॉजिकल डिजाइनिंग की है, यानी कि डेटाबेस का जो हमने लॉजिकल स्ट्रक्चर तैयार किया है कि उस डेटाबेस में कौन कौन से टेबल्स होंगे, उन टेबल्स के नाम क्या क्या होंगे और उन टेबल्स में फील्ड्स के नेम क्या क्या होंगे, कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स वगैरह अप्लाई किए जाएंगे, तो ये जो सारा चीज हमने डेटाबेस के लॉजिकल डिजाइनिंग में जो हमने तैयार की है, तो इन सारी चीजों को फिजिकल मीडिया पे, स्टोरेज डिवाइसेस पे कन्वर्ट करना ही फिजिकल डेटा डिजाइनिंग मॉडल है। तो जो है इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें जो भी हार्डवेयर रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, हम वो सारे हार्डवेयर रिसोर्सेज लेते हैं और साथ ही साथ जो है सॉफ्टवेयर सिस्टम, जैसे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं। तो हार्डवेयर रिसोर्सेज तो इसलिए ताकि पूरा का पूरा डेटाबेस उस हार्डवेयर रिसोर्सेज पे स्टोर हो सके, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर हम इसलिए लेते हैं ताकि जो डेटाबेस की लॉजिकल डिजाइनिंग के दौरान जो भी हमने टेबल्स के नाम वगैरह सोचे हैं, जो भी एट्रीब्यूट्स वगैरह के नाम सोचे हैं, जो भी कॉन्स्टेंट्स वगैरह उस पर लगाना है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर में एसक्यूएल स्टेटमेंट की हेल्प से वो सारे टेबल्स को तैयार कर सके, उन सारे टेबल्स को आपस में प्राइमरी की और फॉरेन की के थ्रू जोड़ सके, उस पे जो है कॉन्स्टेंट्स वगैरह लगा सके। तो इसलिए जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो कुल मिला जुला करके फिजिकल डेटा डिजाइन मॉडल में क्या होता है कि डेटाबेस का जो भी हमने लॉजिकल स्ट्रक्चर तैयार किया है उसको स्टोरेज डिवाइसेस पे कन्वर्ट करना होता है, स्टोर करना होता है, जिसके लिए हमें हार्डवेयर रिसोर्सेज की भी जरूरत पड़ती है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर की भी जरूरत पड़ती है। तो लॉजिकल डिजाइन मीन्स यू प्रिपेयर ए लॉजिकल मॉडल बिफोर बिल्डिंग योर वेयर हाउस। तो लॉजिकल डिजाइन का मतलब ये है कि अपने फिजिकल स्टोरेज डिवाइस को या अपने वेयर हाउस को, जहां पर पूरा का पूरा डेटाबेस स्टोर होता है फाइल सिस्टम में, तो उस वेयर हाउस या फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस को तैयार करने से पहले हम डेटाबेस का एक लॉजिकल मॉडल तैयार कर लेते हैं, तो उसी को लॉजिकल डिजाइन बोलते हैं। और उसके बाद फिजिकल डिजाइन तब होता है जब हम लॉजिकल डिजाइनिंग में जो भी टेबल्स वगैरह के नाम सोचे हैं, जो भी कॉन्स्टेंट्स वगैरह के नाम सोचे हैं, वो सारे डेटाबेस में क्रिएट करते हैं एसक्यूएल स्टेटमेंट की हेल्प से। तो ड्यूरिंग द फिजिकल डिजाइन प्रोसेस यू कन्वर्ट द डेटा गैदर ड्यूरिंग द लॉजिकल डिजाइन फेज इनटू ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिकल डेटाबेस इंक्लूडिंग टेबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। तो फिजिकल डिजाइन प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि जब हम डेटाबेस की लॉजिकल डिजाइनिंग करते हैं, लॉजिकल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं,
जैसे क्या क्या टेबल्स के नाम होने चाहिए, उस टेबल में कौन कौन से फील्ड्स के नाम होने चाहिए, कौन कौन से कंस्टेंट्स वगैरह लगाए जाएंगे, कौन कौन से इंडेक्स वगैरह बनाए जाएंगे, तो ये सब सोचने के बाद जो भी हमने डेटा गैदर किया है, लॉजिकल डिजाइनिंग फेज के दौरान, उन सब को फिजिकल डेटाबेस के डिस्क्रिप्शन में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब एसक्यूएल स्टेटमेंट की हेल्प से उन सब के ऊपर टेबल्स वगैरह बनाए जाते हैं, सारे टेबल्स को आपस में जोड़े जाते हैं, कंस्टेंट्स वगैरह सब अप्लाई कर दिया जाता है, तो इसी को फिजिकल डिजाइनिंग बोलते हैं। तो फिजिकल डिजाइन डिसीजन सच एज द टाइप ऑफ इंडेक्स और पार्टीशनिंग हैव ए लार्ज इम्पैक्ट ऑन क्वेरी परफॉर्मेंस। तो फिजिकल डिजाइनिंग के दौरान जब हम इंडेक्सेस के अलग अलग टाइप्स को तैयार करते हैं, टेबल्स वगैरह की पार्टीशनिंग वगैरह करके हम जो है इसको स्टोरेज डिवाइसेस पे रखते हैं, तो टाइप ऑफ इंडेक्स और पार्टीशनिंग की वजह से जो है क्वेरी के परफॉर्मेंस पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो क्वेरी परफॉर्मेंस आगे के लेक्चर में आएगा कि क्वेरी परफॉर्मेंस क्या है। तो यहाँ तक जो था एक स्मॉल थ्योरी थी अबाउट फिजिकल बेस्ड डेटा मॉडल। ड्यूरिंग फिजिकल डिजाइन यू ट्रांसलेट द एक्सपेक्टेड स्कीमास इनटू एक्चुअल डेटाबेस स्ट्रक्चर। तो जब हम डेटाबेस की फिजिकल डिजाइनिंग करते हैं तो उस टाइम जो है जो हमने डेटाबेस का जो स्कीमा हमने तैयार की है या डेटाबेस का जो भी हमने लॉजिकल स्ट्रक्चर तैयार किया है, तो या जो भी उसकी लॉजिकल डिजाइनिंग की है, तो उस एक्सपेक्टेड स्कीमा, उस लॉजिकल डिजाइनिंग या उस लॉजिकल स्ट्रक्चर को हम एक्चुअल डेटाबेस स्ट्रक्चर में ट्रांसलेट करते हैं। तो ट्रांसलेट करने के लिए हम जो है फॉलोइंग थिंग्स, नीचे जो दिए गई चीजें हैं उनको हम मैप करते हैं। तो कैसे मैप करते हैं वो देखते हैं। तो जब हम डेटाबेस का लॉजिकल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो उस समय जो थियोरेटिकली हम डेटाबेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां पर हम टेबल के नाम को एंटिटीज बोलते हैं। टेबल का नाम क्या हो सकता है? एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट। तो एंटिटीज हम वहाँ पे एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट को हम एंटिटी बोलते हैं। उसी तरीके से प्राइमरी की और फॉरेन की के थ्रू जो है हम दो टेबल्स को, दो से अधिक टेबल्स को आपस में जोड़ते हैं। तो लॉजिकल डिजाइनिंग के दौरान उसी को हम रिलेशनशिप बोलते हैं कि किस टेबल का किस टेबल के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगा। तो वो सारा डिसाइड जो है हम लॉजिकल डिजाइनिंग के दौरान करते हैं। उसके बाद कॉलम नेम को हम लॉजिकल डिजाइनिंग के दौरान एट्रीब्यूट्स के नेम बोलते हैं, मतलब एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। कॉलम नेम क्या हो सकता है? एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी। तो वहां पर लॉजिकल डिजाइनिंग के दौरान हम उसे जो है एट्रीब्यूट बोलते हैं, यानी कि एम्प्लॉय आईडी क्या है? एक एट्रीब्यूट है। उसके बाद एम्प्लॉय नेम क्या है? एक दूसरा एट्रीब्यूट है। एम्प्लॉय की सैलरी क्या है? एक तीसरा एट्रीब्यूट है। तो लॉजिकल डिजाइनिंग के दौरान हम कॉलम नेम को एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। और फिर हम लॉजिकल डिजाइनिंग के दौरान कॉन्स्टेंट्स को डिसाइड करते हैं। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? जैसे नोट, नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक कॉन्स्टेंट्स, इन सब के बारे में मैंने जो है पिछले लेक्चर में इसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो लॉजिकल डिजाइनिंग के दौरान हम कॉन्स्टेंट्स को डिसाइड करते हैं कि नोट नल कॉन्स्टेंट टेबल के ऊपर लगेगा, या फिर यूनिक की लगाना है, या प्राइमरी की लगाना है, या चेक कॉन्स्टेंट लगाना है। तो लॉजिकल डिजाइनिंग के दौरान एंटिटीज, रिलेशनशिप, एट्रीब्यूट्स और कॉन्स्टेंट्स को कंसिडर करते हैं। लेकिन जब हम फिजिकल डिजाइनिंग करते हैं तो फिजिकल डिजाइनिंग होती है एसक्यूएल स्टेटमेंट की हेल्प से, यानी कि एसक्यूएल कमांड प्रॉम्प्ट पे हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी एंटिटीज है। मान लीजिए एम्प्लॉय एंटिटी है, डिपार्टमेंट एंटिटी है, तो एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे हम एम्प्लॉय नाम का टेबल बना देते हैं, डिपार्टमेंट नाम का
टेबल बना देते, तो एंटिटी हमारा बन जाता है टेबल के नाम में बन जाता है। उसी तरीके से लॉजिकल डिजाइनिंग के दौरान जो भी हमने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किए हैं, तो एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे हम टेबल को क्रिएट करते हैं, बहुत सारे टेबल क्रिएट करते हैं, प्राइमरी की और फॉरेन की के थ्रू जो है उन टेबल्स को जोड़ देते हैं। उसी तरीके से लॉजिकल डिजाइनिंग में जो हमने एट्रीब्यूट्स डिसाइड किए हैं, तो एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे एक टेबल के अंदर जब हम कॉलम का नाम लिखते हैं, तो वही एट्रीब्यूट जो नाम दिया है, वही एट्रीब्यूट के नेम हमारा यहाँ पर कॉलम नेम बन जाता है। और जो है लॉजिकल डिजाइनिंग में जो भी हमने कॉन्स्टेंट्स डिसाइड किए हैं, तो एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे जब हम टेबल्स बनाते हैं, तो उस टेबल पे हम फिर कॉन्स्टेंट्स को अप्लाई करते हैं कि टेबल के किस कॉलम पे नोट नल कॉन्स्टेंट लगेगा, किस कॉलम पे यूनिक कॉन्स्टेंट लगेगा, किस कॉलम पे चेक कॉन्स्टेंट लगेगा। तो इस तरीके से लॉजिकल डिजाइनिंग में हम एंटिटीज, रिलेशनशिप, एट्रीब्यूट्स और कॉन्स्टेंट्स इसको कंसीडर करते हैं, और फिजिकल डिजाइनिंग में एंटिटीज को हम चेंज कर देते हैं टेबल के नाम में, रिलेशनशिप को हम चेंज करते हैं प्राइमरी एंड फॉरेन की के थ्रू, एट्रीब्यूट्स को हम चेंज करते हैं कॉलम नेम में, और कॉन्स्टेंट्स को हम जो है टेबल के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, नोटनल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक कॉन्स्टेंट्स आदि। तो ये था हमारा जो है लॉजिकल डिजाइनिंग से फिजिकल डिजाइनिंग हम एसक्यूएल प्रॉम्प्ट की हेल्प से कैसे करते हैं। ट्रांसलेटिंग योर स्कीमास इनटू एक्चुअल डेटाबेस स्ट्रक्चर्स रिक्वायर क्रिएटिंग द फॉलोइंग थिंग्स। तो पिछले स्लाइड में जो है हमने एंटिटीज को टेबल्स के नेम में कन्वर्ट किया था एसक्यूएल स्टेटमेंट की हेल्प से। उसके बाद जो है रिलेशनशिप को हमने एसक्यूएल स्टेटमेंट की हेल्प से प्राइमरी की और फॉरेन की के थ्रू जो है टेबल्स को आपस में जोड़ा था। उसके बाद एट्रीब्यूट्स के नेम को हमने कॉलम नेम में कन्वर्ट किया था एसक्यूएल स्टेटमेंट की हेल्प से, और कॉन्स्टेंट्स को हमने जो है एसक्यूएल स्टेटमेंट की हेल्प से जो है टेबल के ऊपर प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक कॉन्स्टेंट्स, यूनिक कॉन्स्टेंट्स, ये सारे कॉन्स्टेंट्स लगाए थे। तो वहाँ पर जो है आपका एंटिटीज, आपका रिलेशनशिप, आपका जो है एट्रीब्यूट्स और कॉन्स्टेंट्स वगैरह जो है वो सारे जो कन्वर्ट हो रहे हैं फिजिकल डेटाबेस में, वो कन्वर्ट हो रहे हैं आपके जो है एसक्यूएल स्टेटमेंट की हेल्प से। तो वहां सारा काम हो रहा है टेबल्स के लिए और टेबल्स पे सारा काम हो रहा है, बट यहाँ पे जो है हमें जो है मेन डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे ओरेकल का 11G और 12G का जो डेटाबेस है, तो उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अंदर जब हम पूरा डेटाबेस तैयार करते हैं, तो टेबल्स को, बहुत सारे टेबल्स वगैरह को मैनेज करने के लिए हमें टेबल स्पेस को क्रिएट करना पड़ता है, हमें टेबल्स की पार्टिशनिंग करनी पड़ती है। बहुत बड़ा टेबल है तो उस टेबल को दो या तीन पार्ट में तोड़ करके डेटाबेस में स्टोर करके रखा जाता है। बहुत सारे इंडेक्सेस वगैरह जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है टेबल स्पेस, पार्टीशन, इंडेक्सेस, ये काम जो है प्योर डेटाबेस के स्ट्रक्चर का काम है ये। तो टेबल स्पेस को हम क्रिएट करते हैं जो है फिजिकल डिजाइनिंग के दौरान। तो टेबल स्पेस क्या होता है वो देखते हैं। तो टेबल स्पेसेस नीड टू बी सेपरेटली सॉरी सेपरेटेड बाय डिफरेंसेस। तो फॉर एग्जांपल टेबल शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर इंडेक्सेस एंड स्मॉल टेबल शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम लार्ज टेबल्स। तो हम टेबल स्पेस को इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि जो है इंडेक्स, छोटे टेबल्स, बड़े टेबल्स, ये सारे आपस में मिक्सअप ना हो जाए। तो
छोटे टेबल्स के लिए अलग अलग टेबल स्पेस तैयार करते हैं, तो उसमें जितने भी छोटे टेबल्स होते हैं, एक पर्टिकुलर साइज वाले टेबल्स जो होते हैं, वो सारे उस टेबल स्पेस में जो है जाकर के स्टोर हो जाते हैं। इंडेक्सेस जो है वो सारे अलग टेबल स्पेसेस में स्टोर हो जाएंगे। बड़े टेबल्स अलग इस टेबल स्पेसेस में जो है स्टोर हो जाएंगे। तो जो है छोटे बड़े टेबल्स इंडेक्सेस वगैरह के लिए हम डेटाबेस के अंदर अलग अलग टेबल स्पेसेस तैयार करते हैं। तो जब मैं डेटाबेस की टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा, 11C या फिर 12C का डेटाबेस पढ़ाऊंगा, तो उसमें बताऊंगा कि टेबल स्पेसेस क्या होते हैं और टेबल स्पेस वगैरह को कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये तो आपको जब उस मॉड्यूल पे हम जाएंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ बस जस्ट आप एक ओवरव्यू रख लो कि टेबल स्पेस क्या होते हैं। आगे पार्टीशंस क्या होते हैं वो देखते हैं। तो पार्टीशनिंग लार्ज टेबल्स इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस बिकॉज इच पार्टीशन पीस इज मोर मैनेजेबल। तो डेटाबेस के अंदर जो लार्ज टेबल्स होते हैं उन सब की पार्टीशनिंग कर दी जाती है, मतलब अलग छोटे छोटे टेबल्स में तोड़ दिए जाते हैं, तो उसको पार्टीशनिंग करना बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि डेटाबेस की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है, मतलब फास्ट काम होता है। कोई भी इंफॉर्मेशन हम फेच करेंगे तो जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन को फेच करके हमारे सामने प्रेजेंट करेगा। तो पार्टीशनिंग इसलिए की जाती है क्योंकि इच पार्टीशन पीस जो है वो आसानी से मैनेजेबल हो जाता है डेटाबेस के अंदर। तो ये पार्टीशनिंग वाला पूरा एक टॉपिक जो है आगे 12C के डेटाबेस में आगे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद इंडेक्स। इंडेक्स इज ए टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, इट इज यूज टू लोकेट एंड एक्सेस द डेटा इन डेटाबेस टेबल। तो इंडेक्स आप लोग जानते ही होंगे। तो इंडेक्स क्या है कि जो है किसी भी डेटा को हमें लोकेट करना है, एक्सेस करना है, तो उसके लिए इंडेक्स बना दिया जाता है। तो जो है उससे भी परफॉर्मेंस बहुत फास्ट हो जाती है। इट इज़ यूज टू क्विकली लोकेट डेटा विदाउट हैविंग टू सर्च एवरी रो इन डेटाबेस टेबल एवरी टाइम ए डेटाबेस टेबल इज एक्सेस। तो इंडेक्स इसलिए बनाया जाता है ताकि डेटा को लोकेट करने में, उसको सर्च करने में इसको आसानी हो जाती है। बार बार उसे हर रो को सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इंडेक्सेस बनाए जाते हैं। इट इम्प्रूव्स द स्पीड ऑफ डेटा रिट्रीवल ऑपरेशंस ऑन डेटाबेस टेबल एट द कॉस्ट ऑफ एडिशनल राइट्स एंड स्टोरेज स्पेस टू मेंटेन द इंडेक्स डेटा स्ट्रक्चर। तो इंडेक्सेस बनाने का फायदा क्या है कि आप डेटाबेस के टेबल से जो है कोई भी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करोगे तो रिट्रीव करने में बहुत स्पीड से डेटा रिट्रीव होकर के आएगी, और एडिशनल रीड और राइट जो डेटाबेस के अंदर होते हैं, कि मतलब एक ही इंफॉर्मेशन को आप अगर सर्च कर रहे हो तो बार बार वो रीड करेगा फिर राइट करेगा, तो रीड राइट में जो है टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, डेटा की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, मतलब डेटा रिट्रीवल के परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आती है। तो इंडेक्सेस बनाने से क्या होता है कि रीड राइट की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एक ही इंफॉर्मेशन को जब सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम सर्च करते हैं तो उसको रीड और राइट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो है हम टेबल स्पेसेस, पार्टीशंस और इंडेक्सेस वगैरह को भी क्रिएट करते हैं फिजिकल डेटाबेस की डिजाइनिंग के दौरान। तो डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर का मेरा जो ये वीडियो था, ये 12th वीडियो, सॉरी 13th वीडियो लेक्चर था, जो यहाँ पर फिनिश होता है, और डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर का ये टॉपिक भी हमारा यहीं पे फिनिश हो जाता है। तो बेसिकली जो है डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर के दौरान जो है हमने बात की कि डेटा मॉडलिंग्स क्या है, तो नेटवर्किंग डेटा मॉडल, हायरार्किकल डेटा मॉडल जो है, रिलेशनल डेटा मॉडल, ये सारे हमने पढ़े हैं। उसके बाद एंटिटी रिलेशनशिप वगैरह क्या है वो सारा हमने देखा है, डिफरेंट टाइप्स के क्या
कीज कौन कौन से होते हैं वो हमने देखा है, कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से होते हैं वो सारा हमने देखा है, और जो है तो कुल मिला जुला करके हमने जो है 1 से लेकर के 13th वीडियो लेक्चर में जो है डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर को कवर किया है। अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया जो है टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।